हेलो 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 हाँ सलामकुम वालेकुम अस्सलाम। बोलिए। जी भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए, आपका भाई मैसेज आया है कि तू अगर अपने माँ बाप का बेटा है तो मुझसे बात कर। बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ क्यों फोन काट दिए? फोन क्यों काट दिए? अरे फोन क्यों काट दिया? आपसे बात कब हुई जो फोन काट दिया? अभी तो बात किया था ना, इतनी देर बात किया था, क्यों नंबर पहचान नहीं सके? इतना अरे कौन सब बोल रहा कुछ है मेरे जानते प्यारे हो, भाई? नंबर शेख इमरान है मेरा नाम। हाँ अच्छा, शेख इमरान। हाँ बताइए, फोन काटा नहीं था हाँ भाई, आप अकेले बोलते जा रहे थे तो फोन अकेले काट के चला गया मैं। आप बोलते जा रहे हैं यार, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे, आप ही आपकी बात बोलते गए, तो अरे क्या भैया, आप बात बहुत बड़े में आलिम हैं, मसला आपसे हल बात कैसे करने होगा? के बोलो। काबिल नहीं है मेरे भाई, आप बहुत हम बड़े आलिम अल्लामा नहीं हैं। है यार, हम आलिम भी नहीं है यार, हम हम तो आपके गुलाम पैरों हैं की यार। धूल भी नहीं है भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमसे अरे गलती हो गई, आप बहुत बड़े अरे अल्लामा हैं। कौन अल्लामा भी नहीं है, भाई हम हम डर मुफ्ती भी गए नहीं है, आपसे, हमने आलिम भी अपनी नहीं है, हार हम मान कुछ भी ली, आप नहीं। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, बस अरे इतनी क्या दुआ है आपके लिए। तो यार, ऐसा जाहिलों की तरह बात कर रहे हो यार तुम? भाई हम कह तो रहे हैं, आपके सामने बड़े बड़े लोग जाहिल है तो हमारी क्या हैसियत है भाई? तो हम ऐसा नहीं बोले ना, आप बोल रहे हो, आप हम क्यों ऐसा मेरे भाई नहीं को, बोल रहे। आप अच्छा एक चीज बताइए, आप पहले, हमने आपसे मेरे भाई पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, पहले इल्म हासिल कर लीजिए मेरे भाई, फिर आके बात कीजिएगा। हाँ इल्म और भी है आपको अल्लाह बहुत के अच्छी फजलो चीज करम बता से, रहा हूँ जो बहुत आपके उलमा आलिमों करम ने से, आपको बहुत नहीं बताई होगी। आप सबसे अच्छे पहले अच्छे जाके आलिमों के साथ कुरान हम को पढ़िए उठते मेरे भाई, बैठते कुरान को, हैं, सूरे हम कुरान फातिहा से पढ़ते लेके हैं, सूरे कुरान को नास हम तक एक सीने बार में समझ रखते के पढ़िए हैं। मेरे भाई। कुरान में सुनो मेरी बात, कुरान में है, नबियों की नबियों को जमीन नहीं खाती, नबियों की खबर नहीं खाती, जमीन नहीं खाती, नबियों की जिस्मों को जमीन नहीं खाती करके अरे बोलते हाँ, हैं। कैसा मिट्टी बोलते जो हैं, है, हमारे नबी मर मिट्टी गए, मिट्टी में मिल गए बोल के? हाँ मिट्टी अंबिया अलैहिस्सलाम के भाई शहीद जो मरता है बॉडी है क्या? उसके हराम कर दी गई है। शहीद के बारे में क्या हुक्म है? कुरान अरे में भैया, शहीद के बारे ये में क्या जिसने हुक्म लिखा है है? उससे पूछो ना, अल्लाह की मेरा राह में ईमान जो अकीदा। अरे हाँ भाई, इसीलिए तो मैं आपका फोन काट देता हूँ, बोलिए। आप सवाल कर लेते हो, जवाब नहीं सुनते हो। मेरा ईमान हाँ बोलिए। अकीदा ये है, मैं अफ्फू खान, मैं यूपी इलाहाबाद से, अहले सुन्नत अहले हदीस, मैं अपनी एक टांग पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होके आपसे कहता हूँ, ठीक है, कि मेरे नजदीक ये मेरा ईमान अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो बॉडी है उसपे जो मिट्टी है वो हराम कर दी गई है, और अल्लाह के नबी का जो भाई जो बॉडी है जिसमें वो कोई मिट्टी ना तो खा सकती है, ना सड़ा सकती है, ना मेरे भाई गला सकती है, ये हमारा ईमान अकीदा है। अब जिसने लिखा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मर की मिट्टी में मिल गए, आप जाके उसको ढूंढो, उससे अकीदा पूछो, उसकी इसलाह करो, या उसको जूते से मारो, वो आपकी मर्जी है, मेरा ऐसा कोई ईमान आपके अकीदा अहले नहीं है। हदीस के उलमा ने तो कहा ना ये, आपके अहले हदीस उलमा ने तो कहा ना ये, हुजूर मर एक गए तरफ मिट्टी कहते में हो मिल गैर गए, उसको मुकल्लिद, किसी गैर की नहीं मुकल्लिद, तो सुनते जब हम हैं। गैर मुकल्लिद आपने हमें मान लिया है तो हमें मुकल्लिद आप का ही समझते हो, हम मुकल्लिद थोड़ी ना है किसी के, या तो गैर मुकल्लिद कहना छोड़ दो, या तो हमारे जो आलिम है, कोई भी आलिम है, उसकी बात को हमारे ऊपर थोपना छोड़ दो। जब हमने कह दिया, हम वही बात मानते हैं जो कुरान हदीस से साबित है। हमारा बाप, अगर हमारा बाप भी अगर हमें कोई ऐसी बात कहेगा जो कुरान हदीस से साबित भाई नहीं है और उससे टकराती है, तो हम अपने बाप की बात नहीं मानेंगे, तो आलिम की क्या मेरे भाई आप अच्छा बात कर रहे हो? हमें जो कुरान हदीस की अच्छी बात, बात है, आप भी अगर कहोगे कि भाई अच्छी कुरान बात ऐसा है। कहता है, हम आपकी बात मानेंगे, हम कोई दुश्मन थोड़ी ना है किसी के। नहीं, हाँ हम तो दुश्मन भी किसी के नहीं। अच्छा तो जाकिर नायक आप कौन तो है? इस्लाम कोई के दुश्मन हो। जाकिर नायक कौन है? ना हम इस्लाम के दुश्मन है, मरते दम तक हमारे गले पे तलवार भी रख दे ना तो भी हम इस्लाम पे ही मरेंगे, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ के ही मरेंगे हम। भाई तो पहले हम जियो तो कलमा पढ़ इस्लाम के के, मरने मतलब वाले जी रहे हैं, नहीं रहो, मतलब ये कौन सी बात है, पहले जी जियो है तो, मरेंगे भी। हाँ जियेंगे भी मरेंगे भी, वही तो बता दे तो रहे कब ना, जियोगे मेरे मरने भाई? का वक्त भी आ गया, अगर से मरने का वक्त भी आ गया, हमारे गर्दन पे तलवार रख दी है, तुम हाँ इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाओ तब भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो बोल रहे हैं ना हम भाई, इस्लाम सही दीन बात है, जब इस्लाम को इस्लाम मानने आपने वाले नहीं पकड़ा ही नहीं है तो बोलते। छोड़ेंगे अच्छा कहाँ भी से? छोड़ो छोड़ो बेकार के फालतू बात सब छोड़ो, अभी ये जाकिर नायक कौन है भाई? कौन जाकिर नायक है कौन जाकिर है? नायक? आपको नहीं पता कौन है? कौन है मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे को पता है या नहीं वो बात की बात है, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, जाकिर नायक कौन है? डॉक्टर जाकिर नायक एक इस्लामिक भाई स्कॉलर हैं, ठीक है, विद्वान हैं, वर्ल्ड में फेमस हैं, आपको नहीं मालूम कौन है सी तो आप जमात क्या से अकल की वाबस्ता कमी रखता है? हाँ अकल की है? कमी है, छोड़ो मेरी अकल की कमी है, आप हाँ, कौन सी जमात से ताल्लुक रखता है वो? वो भाई उनके बयान से पता चलता है कि वो किसी भी मेरे भाई जमात से नहीं है, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं हाँ भाई मैं खाली क्या हूँ,
भाई मैं हूँ मुस्लिम, तो वो मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मुस्लिम है यार हमारे नबी? कैसा मुस्लिम है? आपके जैसे गुमराह मुस्लिम नहीं है। ठीक है मुस्लिम है अपो भाई, मेरी बात सुनिए अपो भाई, आप मेरी बात सुनिए जी, बताइए। सिर्फ कुरान हदीस, सिर्फ कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस बोलते रहेंगे तो कुरान हदीस पे आज कोई भी नहीं चल रहा है मालूम तुम्हारे को? नहीं आप नहीं चल रहे तो आपको लगता है कोई भी नहीं चल रहा है? आपको इतनी नफरत क्यों है सिर्फ कुरान हदीस, सिर्फ कुरान हदीस से? नफरत नहीं है हमारे को, नफरत नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि लोग कह रहे हैं सिर्फ कुरान हदीस, सिर्फ कुरान हदीस, तो आपको तो खुश होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुरान हदीस मान रहे हैं। दूसरी बात ही नहीं है ना आपके पास, दूसरी बात ही नहीं है ना आपके पास। तो दूसरा हमारा देखिए, हमारा जो आसमानी दीन है वो है कुरान हदीस, तो हम आसमानी दीन की बात करते हैं, बाप दादाओं के दीन की बात नहीं करते। अच्छा भाई आप चाय पीते हैं? हैं आप कोका कोला पीते हैं, चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं? नहीं मैं भाई मैं पानी पीता हूँ। हाँ पानी पी पानी पीते हैं क्या? चाय नहीं पी के आप जिंदगी में? नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ भाई। हाँ एक बार भी कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पिए? नहीं पिए, काफी बार पिए। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो बोल तो रहा हूँ पिए, कई बार पिए। आप भी तो पीते हो कोल्ड ड्रिंक? पिया ना कभी? साहबा ने पिया था क्या? हाँ साहबी ने पिया ना, अम्बिया ने पिया था? नहीं पिया ना। पिया ना मेरे भाई? कहाँ पिए? अरे पानी नहीं पिया। बात मत बोल के कहाँ से का पानी पिया था यार, मैं क्या बता रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। अरे तो पानी को ठंडा कर दो, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। कोला पिए हैं? अरे वो छोड़ो यार। अरे यार अब ये सब बच्चे, तुम कल कहोगे कि नबी ने समोसा खाया, छोला भटूरा खाया, बिरयानी खाई, कबाब खाया, नहारी खाई, कुलचा खाया, ये सब के सवाल होते हैं मेरे भाई, खादे मेरे भाई। कैसे सवाल होते हैं? नहीं जो कुरान हदीस में है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जो जो पाक चीजें हैं, तैयब चीजें हैं, उनको खाओ पियो। तो जो पाक है, तैयब है, हलाल है, वो खाते पीते हैं। अब एक एक तुमको खाने का नाम तो नहीं मिलेगा, चाय कॉफी। सुनिए आप भाई मेरी बात सुनिए, आपकी शादी हो क्या है? हाँ हाँ शादी हुई ना, तो शादी खाने में? अरे और कोई लड़की हो तो बता दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हारा भी लोग हो यार, तुम्हारा भी हो, 100 शादी हम भी कर लेंगे। आप लोग छोड़ो, हमारे नबी ने मेरे भाई 100 कैसे कर लेंगे को किया था? ये कम भी थे बचत के, जितने भी थे बेवा थे, हमारे सरकार ने 11 शादियाँ की, जितने भी थे बेसहारा औरतें थे उनको सहारा दिया हमारे नबी ने। ये बेसहारा थी, बेसहारा बेसहारा औरत थी, उसको रजी अल्लाह ताला अन्हा के तो वाली साहब मौजूद थे, वो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो बेसहारा कैसे हो गई? यार मैं बोल रहा हूँ ना, नबी के ऊपर झूठ बोलते हो मेरे भाई? तुम झूठ बोल रहे हो यार, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी आप ही कह रहे हो सारी बीवियाँ बेसहारा थी, कौन सी बेसहारा थी भाई? हो जाएगा क्या उम्मत की माओ के ऊपर झूठ बोलते हो? ये हमारी माओ सर के सर, उनकी बात हमारे सर आंखों पर, उनके दामन अच्छा, की बात सर आंखों पर है। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा वो झूठा है, और जो शख्स ये कहे कि अगर अल्लाह ताला के आखिरी नबी ठीक है वो कल क्या होगा उसके बारे में जानते थे तो वो झूठा है, तो आप लोग तो कहते हो अल्लाह के नबी को गायब है, सब जानते हैं। झूठे हदीस बना के रखे हो यार, झूठे हदीस, झूठे हदीस। अरे मेरे भाई सही अल बुखारी की हदीस है, ये बुखारी हदीस नंबर 4855 बहुत कुछ है तुम नंबर। हाँ तो बुखारी शरीफ में जो कुछ है ना वो मेरे भाई बिदतियों के समझ में नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात को समझो। अभी आप बोल रहे हैं अब गैब का इल्म नहीं है, कल क्या हो सकता है बताते नहीं बोल के बोल रहे ना हमारे नबी, तो खयामत की निशानी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आयशा कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल के ऊपर अगर कोई ये सोचता है कि नबी कल क्या होगा जानते थे, गैब की बात जानते थे, तो वो झूठा है। हमारे उलमा क्या झूठ बोल रहे हैं क्या अभी? और क्या मेरे भाई, नबी की बीवी से बात करना है? तुम आतंकवादी हो, तुम लोग टेररिस्ट हो। वो बोला था जाकिर नायक की तारीफ करे तुम, आलिम दीन है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, उसकी तारीफ करे, वो तारीफ करने के काबिल है क्या भाई? देखिए इस्लाम तारीफ करने के इस्लाम का मानने वाला कोई भी इंसान आतंकवादी नहीं होता है। इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में कह दिया है कि अगर किसी ने एक इंसान की, एक मासूम इंसान की जान ली तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान ली। तो हमारे वहाँ आतंकवादी नहीं, अब मजारों पे काला धन कमा कमा के आप आतंकवादी बन रहे हो तो ये आपकी दिक्कत है। अच्छी बात है, आपकी बात को मैं मान लिया। चलो भाई अभी वो जाकिर नायक का एक वीडियो देखा था आपने,
जो हमारे वो बात कर रहा है आला हजरत की किताबें पढ़ी हैं आपने? आज की तारीख ए आला हजरत को नहीं, जो मैं सवाल कर रहा हूँ जाकिर नायक को हटाओ बीच से। जो मैं सवाल कर रहा हूँ जाकिर नायक पहले मुझे दो। जाकिर नायक कोई हमारे इमाम नहीं है। कर रहा हूँ पहले उसका डॉक्टर जाकिर नायक कोई हमारे मसलक के इमाम नहीं है, नाम उनके मुकल्लिद हैं। तो जब डॉक्टर जाकिर नायक से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो जबरदस्ती उनकी बात पेश कर दो। फिर क्यों तारीफ कर रहे हो उसकी? अरे तो तारीफ तो करेंगे ना, जो भी दीन का काम करेगा तारीफ करेंगे, तुम भी दीन का काम करोगे तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। जो हमारे नबी का गुस्ताख है वो क्या दीन का काम करेगा यार? अरे नबी के गुस्ताख तो भाई आला हजरत था ना, आला हजरत को तुमने अपना इमाम बना लिया ना। आला हजरत जो हमारे इमाम है अहमद रजा खान साहब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, नबुव्वत का दावा किया। कौन बोला? आला हजरत बोला, आला हजरत बोला। झूठ मत बोल भैया, हयात आला हजरत में आला हजरत की वसीयत है, सुन लो ना मेरे भाई। इसीलिए तो फोन तुम्हारा काट देते हैं, इसीलिए फोन काट देते हैं क्यों? तुम चाहते हो तुम अकेले बोलते रहो? तू बातें ही वैसी कर रहा है। असल में सच्चाई से आप बहुत दूर है ना, सच्चाई पहले मेरे भैया जाके पता कीजिए, बाद में आइएगा बात करने। क्यों बोला तुम? वो जाकिर नायक की आप बोल रहे हैं ना, वो दीन का भैया आला हजरत की जब आप तारीफ कर सकते हैं तो तारीफ के काबिल भी नहीं है। आला हजरत खुद कहता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे पूछते हैं मेरे भाई कौन तारीफ करेगा? हवाला दो। वो आला हजरत की बात नहीं उठी, पहले जाकिर नायक की बात उठी, उसके जाकिर नायक के बारे में बात करो। मैं डॉक्टर जाकिर नायक के नाम में वकील हूँ ना, मैं एडवोकेट हूँ ना, वो मेरे इमाम है। तो मुझे इतना पता है कि जहाँ तक मैंने उनके वीडियो देखे हैं, मुझे उनके वीडियो अच्छे लगे और उसमें कोई भी ऐसी बात भाई नहीं है जो कुरान हदीस के खिलाफ हो। अगर खिलाफ हो तो आप हमको बता दीजिए। डॉक्टर भाई, ये डॉक्टर जाकिर नायक का रद्द सबसे पहले हम सुनने के लिए नहीं मान रहे ना, आप मान ही नहीं ले रहे सुनने के लिए। भाई डॉक्टर जाकिर नायक की कोई एक ऐसी बात पेश कर दीजिए जो कुरान हदीस से साबित ना हो, हम उनका खुद रद्द करेंगे। तो सुनो, बता रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात सुनो। ये बयान में क्या बोल रहा है वो, आज की तारीख में मोहम्मद, आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मान सकते। आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना, नऊज बिल्ला सुम्मा माजल्ला, मानना हमारे लिए हराम है करके बोल दिया वो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ने से मुसलमान होता है, उस नबी की तौहीन करने वाला वो भी एक दीन, कुछ भी रहे वो, कुछ भी रहे उसकी बात कैसे मानेंगे, उसकी तारीफ कैसे करेंगे? अगर हमारे नबी का कोई गुस्ताख हो तो हम उसको छोड़ेंगे? आप भी हो या मैं भी हूँ, नबी का जो गुस्ताखी किया तो हम भाई बोल लेना, तो फिर बोलने का मौका देना, बीच में जिन ना जाके आपका, ठीक है? जिस तरीके से मैं बोलो प्यार से बोलो, वो जो सही बोला क्या? चलिए ठीक है, डॉक्टर जाकिर नायक ने जो ये कहा था कि आज की तारीख में पीर बाबा को तो छोड़ो, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है, ये जो जुमला था अब इसका सुन लीजिए। उन्होंने इस जुमले की बीच पब्लिक में, लाखों की पब्लिक में उन्होंने माफी मांगी। वो वीडियो आपने अभी तक क्यों नहीं देखा? उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी हर तकरीर से पहले कह देता हूँ कि जो मेरी तालीम हुई है वो अंग्रेजी में हुई है, इंग्लिश में हुई है, तो उर्दू और हिंदी मुझे ठीक से बोलना नहीं आता है। अगर हमसे कोई मतलब कोई गलती हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए और मेरी बात को समझिए। वो ये कहना चाह रहे थे कि आज की तारीख में पीर बाबा को तो छोड़िए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगना हमारे लिए हराम है, लेकिन उनकी हिंदी कमजोर थी तो उनकी जबान से आ गया को भी मानना हमारे लिए हराम है। इसकी उन्होंने बीच पब्लिक में माफी मांगी। सुन लीजिए मेरे भाई, फिर आप आराम से बोलिएगा, आप आराम से बोल लीजिएगा, मौका इंशाल्लाह आपको देंगे। फिर मेरे भाई, जो इंसान बाइबल से, वेद से, गीता से, ठीक है, दुनिया भर की किताबों से साबित कर रहा है कि अल्लाह के जो नबी हैं, पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मानो, ये आखिरी पैगंबर हैं, इनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई है उसको मानो, जो दुनिया भर में कह रहा है कि नबी को मानो, वो भला ये कहे के लिए कहेगा कि नबी को मानना हराम है? अजीब मेरे भाई, आप लोग बात करते हो, बोला ना वो वीडियो में। अच्छा बोला ना वो वीडियो में। अच्छा चलिए ठीक है, एक सहाबी की आपको भाई, आपको इंशाल्लाह मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, एक सहाबी होते हैं, बोला ना वो क्यों बोला? सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई, हम आपको बोलने का मौका दे तो रहे हैं, हम कोई भाग नहीं रहे, इंशाल्लाह भागेंगे नहीं, ठीक है, बोलो बोलो। एक सहाबी होते हैं भाई, ये हदीस अल्लाह के नबी की, ठीक, एक सहाबी होते हैं, वो रास्ते में जा रहे होते हैं, बीच में रेगिस्तान आता है, सोचते हैं आराम कर ले,
तो वो भाई वो सो जाते हैं और सो के उठते हैं तो देखते हैं कि जो उनका ऊंट था, जो उनका सारा सामान था, ठीक है, वो सब मेरे भाई गायब हो जाता है, खो जाता है। अब बेचारे वो रोते हैं, गमगीन हो जाते हैं, दूर तक देखते हैं ना उनका सामान, ना सवारी, ना ऊंट, सब गायब। तो बेचारे वो रोते रोते सो जाते हैं और जैसे सो के उठते हैं तो देखते हैं जो उनका ऊंट था, सामान था, सवारी था, जो खो गया था वो वापस उनको मिल जाता है। तो वो इतना जोश में आ जाते हैं, अल्लाह ताला का जो भाई शुक्र होता है उसको अदा करते हैं और जोश में एक जुमला बोल देते हैं। अब वो जुमला सुनिएगा, वो जुमला सुनिएगा कान खोल के। वो साहबी कह देते हैं कि ए मेरे रब, मैं तेरा अल्लाह, तू मेरा बंदा। हालांकि वो ये कहना चाह रहे थे कि ए मेरे रब, मैं तेरा बंदा, तू मेरा अल्लाह, लेकिन उनकी जबान से, क्योंकि वो इतना खुश हो जाते हैं कि रेगिस्तान में जो उनका सामान खो गया था, गुम गया था, वो वापस उनको मिल गया है, तो वो जोश में बोल देते हैं कि ए मेरे रब, मैं तेरा अल्लाह, तू मेरा बंदा। वो ये बोल देते हैं, लेकिन भाई वो क्या होता है, वो होता है कि इंसान से गलती हो गई, वो बोलना कुछ और चाह रहा था लेकिन जबान से उसके भाई कुछ और आ गया। इसी तरीके से बड़े बड़े आलिमों से मेरे भाई तकरीर में गलती हो जाती है। अब जैसे फारूक खान लैपटॉप बाबा है, फारूक खान लैपटॉप बाबा ने अपनी तकरीर में कहा, इंसान का बच्चा ऑक्सीजन लेता है और कौन सी गैस छोड़ता है, हाइड्रोजन। हालांकि वो बोलना चाह रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि इंसान का बच्चा ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है, तो उनसे गलती हुई ना। अब अगर कोई इस गलती को पकड़ के ये कह दे कि वो तो माशाल्लाह गुस्ताखे नबी है, गुस्ताखे रसूल है, इस्लाम से बाहर है, नहीं, गलती हुई है, हम उनकी गलती को पकड़ेंगे, उनको बताएंगे। आज तक फारूक खान लैपटॉप बाबा ने कभी माफी नहीं मांगी, लेकिन हमारे डॉक्टर जाकिर नायक ने माफी मांगी। क्यों? क्योंकि हम इंसान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने माजे की हदीस है कि आदम की हर औलाद खताकार है और सबसे अच्छी वो है जो तौबा कर ले। तो डॉक्टर जाकिर नायक से या बाकी जो लोग हैं जिनसे मेरे भाई खता होती है, वो माफी मांग लेते हैं, अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, लेकिन बरेलवी कभी तौबा नहीं करते। वो उल जलूल जो बोलते जाएंगे तौबा कभी नहीं करेंगे। तो अब आपके पास समझ में आ गई, डॉक्टर जाकिर नायक का जो ये इल्जाम था, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कोई भी गलती नहीं हो रही, आप सच्चे हैं क्या? हमसे भी गलती हुई है मेरे भाई, है क्या आपके हमसे गलती हुई है, हमने भी आवाज में माफी मांगी है। पूरी चीजें सुनिए मेरी बात, आप मैं इतनी देर आप ये बात सुनाना, मेरी बात भी सुनिए। अब हिंदुस्तान में कलमा किससे पढ़े हम, बोलिए। हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तानी हो ना, हिंदुस्तान के अंदर दीन, आप हिंदुस्तानी ही हो ना? हाँ भैया, इंडिया में पैदा हुआ। हाँ, इंडिया में पैदा हुए ना, तो इंडिया में कौन आके आपको कलमा पढ़ा है? भाई मैं तो मुसलमान के वहीं अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुआ था। अब आप लोग अपना पता कीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ, आपको कलमा कौन पढ़ाया हिंदुस्तान के अंदर? भाई मेरे वहाँ तो मेरी अम्मी ने पढ़ाया, अब्बा ने पढ़ाया। हाँ, अब्बा ने पढ़ाया। आपके अब्बा अम्मी को कौन पढ़ाया? उनके अम्मी अब्बू ने। पहले शुरुआत की बात बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में जब हिंद में दीन आया, इस्लाम आया, किसकी वजह से आया? यहाँ तो कोई नबी नहीं आए थे, कोई साहबा। हाँ, साहबा की वजह से बोल रहे हो यार, क्या झूठ बोल रहे हो यार? आपको भी पता है, आपको मालूम नहीं है, इल्म से पैदल है मेरे भाई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। अरे वो तो बाद में आए, उनसे पहले इंडिया में दीन आ चुका था। चुप बैठो यार, बात क्या झूठ बोलते हो यार? आपके मतलब ख्वाजा साहब ने एक कटोरे में पूरा सागर क्या ले लिया, आपने उनको हवा बना दिया? कहाँ से आ गए साहबा? साहबा हिंदुस्तान में 90 लाख मुसलमानों को एक नजर में कलमा पढ़ा है एक साथ। अरे ये सब मेरे भाई, इंसानों को पढ़ा है हमारे हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज। ये सब कोई हकीकत थोड़ी ना है मेरे भाई। हाँ, क्या हकीकत नहीं तो क्या है? ये सब बकवास है क्या? और क्या बकवास नहीं तो क्या सच्चाई है यार? तुम सब झूठे लोग हो यार, तुम लोग। अच्छा एक चीज बताइए, सच्चाई नहीं तो क्या बेकार बात है? अरे अल्लाह के बंदे, आप नाराज क्यों होने लगते हैं? देखिए बकराइए मत, ज्यादा चिल्लाने से आप हक भी साबित हो जाएंगे मेरे भाई। चिल्ला रहा हूँ नहीं मैं, वो जो साहबी का नाम तो लीजिए मेरे भाई, आप नाम बताओ वो साहबी का। हाँ बता रहे मेरे भाई, देखिए एक्चुअल में ये है, आपने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज जहाँ जिसको देख लेते थे, जहाँ तक देख लेते थे, वो सब इस्लाम कबूल कर लेते थे, है ना? यार मैं क्या सवाल आपसे कर रहा हूँ, वो जो सहाबी का आप वाकिया बोले थे,
अरे मालिक बिन दिनार उनका नाम है, जाके मेरे भाई पढ़ लीजिए, खबर उनकी आज भी मौजूद है। और सुनिए, ऐसा बात की है, हम आपको बता रहे हैं पूरा इतिहास, इतिहास भी आपको कमजोर है, कुरान हदीस तो आपको आता नहीं है, ठीक है, इतिहास भी आपकी मेरे भाई थोड़ी वीक है, ठीक है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल ने जब चांद के दो टुकड़े किए थे तो ये जो मेरे भाई जो वाकया था ये तमाम दुनिया ने देखा। तो हिंदुस्तान में भाई एक राजा था, राजा भोज का नाम था चेरामन। तो राजा चेरामन ने जब ये देखा कि जो ये चांद है, चंद्रमा है, ये अपने दो टुकड़ों में भाई ये अलग अलग हो गया है, तो उन्होंने विद्वानों से पूछा, तो विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि कोई ईश्वर का ऋषि आया है, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ जाके ढूंढो ये जो चांद के दो टुकड़े हुए ये आखिर किसने किए हैं। तो जो उनके सिपाही होते हैं वो ढूंढते 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 पहुंच जाते हैं अरब। अरब में जब वो पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ एक इंसान है, उसका नाम है मोहम्मद, उसने अल्लाह का नबी होने का दावा किया है। तो वो हाँ, जो ये राजा के जो आदमी होते हैं, सिपाही होते हैं, वो जाते हैं अल्लाह के नबी के पास, नबी से अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, यानी कि वो हो जाते हैं सहाबी। फिर वो सहाबी वापस मेरे भाई इंडिया आते हैं, इंडिया में बताते हैं, फिर जो राजा भोज होते हैं वो भी भाई वो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लेते हैं। उसके बाद जो वो राजा भोज होते हैं वो इंडिया में दीन फैलाते हैं, और उनमें से ही एक सहाबी का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, मालिक बिन दिनार, उनकी जो कब्र है वो आज भी मौजूद है, ठीक, ये पूरा। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज जो थे, ठीक है, वो भी मेरे भाई, उन्होंने भी दीन का काम किया, हम मानते हैं, इकरार करते हैं, लेकिन इतना नहीं किया कि एक साइड देख लिया तो 90 लाख लोग, 90,000 लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, दूसरी साइड देखा तो 90,000 लोग दाखिल हो गए। तो माज़ अल्लाह, अल्लाह के नबी जो अपने चचा को देखते थे अबू तालिब को, वो क्यों इस्लाम में दाखिल हो गए, क्या अल्लाह के नबी की क्या भाई वो आंखों में इतनी तासीर भाई वो नहीं थी माज़ अल्लाह, जो ये ख्वाजा साहब की आंखों में थी। वही यार मैं बोल रहा हूँ, वो अबू तालिब जो है, अबू जहल जो ईमान में नहीं आया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं हुई। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने जब अपना चेहरा दिखाकर 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया तो अल्लाह की तरफ से उनको हिदायत भी मिली और वो मुसलमान भी बन गए। आपको मानना है मानिए, अबू जहल को अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं हुई, यहाँ तक हमारे मेरे कान में भी कलमा पढ़ लो कयामत के दिन मैं गवाही दूंगा करके बोले थे, वो कान में भी कलमा नहीं पड़े वो। हाँ तो बताइए, नबी उनसे कह रहा है वो नहीं पढ़ रहे, और यहाँ तो जो गहरे नबी है वो खाली चेहरा दिखा देता है, तो मेरे भाई लाखों हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, तो ये गप नहीं है, अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली ना, तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने नबी का साथ मेरे भाई माज़ अल्लाह नहीं दिया और गहरे नबी का साथ नबी का साथ नहीं, नबी का साथ नहीं, अबू जहल को हिदायत नहीं दी भाई, देखिए ये हिदायत नहीं दी अबू जहल के अजमेर शरीफ में, हमारे अजमेर शरीफ है आप लोगों को लीजिए मेरे भाई, अजमेर सीडी मिलती है, ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज और जादूगर जयपाल, इन दोनों की हमको लग रहा है सीडी आपने देख लिए, इसीलिए आप मेरे पागल हो गए हैं, ये सीडी से दीन ना सीखिए, कुरान हदीस से दीन सीखिए, कुरान हदीस से ही दिन सीख रहा हूँ मैं, हमारा तो ईमान अकीदा ये है कि अगर ख्वाजा गरीब देख के नहीं बोल रहा, अगर ख्वाजा गरीब नवाज अगर दुनिया में ना पैदा होता ना तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम आता, बाकी किताबें सभी किताबें हैं, अगर ख्वाजा गरीब नवाज अगर वो हिंदुस्तान में ना पैदा होते तो भी इंडिया में दीन आता नहीं चल रहे हो। हाँ यार तुम ही खुद कुरान हदीस पे नहीं चल रहे हो, पैंट शर्ट पहनते हो ना, हराम नहीं है, हराम नहीं है, कभी साहबा ने पहना था क्या, कभी नबियों ने मना किया था क्या, तो तुम क्यों, साहबा ने बहुत सारे हमारे पास बहुत सवाल है ऐसे भी है, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब हम भी इसी तरीके से दे सकते हैं, तो आप पूछिए ना, हम आपको बताएंगे मना कहाँ है, आप हमसे बोलो मिलाद हमसे बोल रहे हैं ना, आप हमसे पूछिए मिलाद भाई, तो हम मिलाद मनाते ना, हमारे उल्मा ने आपने ये नक्शबंदी साहब को भी फोन किया था, अहमद नक्शबंदी साहब को भी, अरे हाँ वो भागता है मेरे नाम से भाई,
नक्शबंदी साहब को भी फोन किया था, उन्होंने क्या कहा भैया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के ताल्लुक से, कपड़ों के ताल्लुक से बता दिया है कौन कौन से पहने हैं। हमेशा बात करते हैं, हमारे उलमा से आके मिलो, सामने बैठो। अरे तो सामने बैठने के लिए तैयार है ना, लेके आओ ना अपने अल्लामा अहमद नक्शबंदी वीडियो को जिसमें ईद मिलाद पे नबी का केक काटा है। बैंगलोर में जब आएंगे तो सारे नबी के बर्थडे का केक काटने वाला अल्लामा अहमद नक्शबंदी टीटीएस हैदराबादी, उससे मेरी बात करवा दो ना। हाँ बात करवा दो क्या यार, बात करवाएंगे तो आप लंगे हो जाएंगे। अरे नंगा तो बेचारा को दो बार जाएंगे भाई, वो दो बार हो चुका है, दोनों बार फोन किया, मेरा नाम सुन के फोन काट के भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। हो चुका होगा लंगा। अल्लाह सुभान व तआला ने अफू खान को वो इज्जत दी है ना, बेचारे बड़े बड़े बातिल खाली आवाज सुन के फोन काट के भाग गया। सहाबा के औलिया के गुस्ताख हो तुम लोग। भैया हम औलिया अल्लाह को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, लेकिन खुद साक्षा बनाए गए नकली औलिया को नहीं मानते। ये लोटा बाबा, छोटा बाबा, मटका बाबा, कल्लू बाबा, उनको नहीं मानते। तुम हो गए यार वो सभी, हम क्यों हो गए यार वो सभी, हम नहीं है भैया। देखिए हमारा सीधा सा सवाल ये है, ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने जो भाई दीन का काम किया, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन 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 हम ये नहीं कहते कि अगर वो इंडिया में ना आते तो दीन ना फैलता और उनकी वजह से दीन फैला। नहीं, हमारे सहाबा इकराम ने पहले आके मेहनत की थी। कौन से साहब? अरे मालिक बिन दिनार थे, बहुत सारे साहब आए ऐसे ऐसे मेरे भाई, इंडिया में शहर थे जहाँ की औरतें कपड़ा पहनती थी तो खाली साड़ी पहनती थी, सिर्फ साड़ी पहनती थी, ब्लाउज जो मतलब जो ब्लाउज होता था वो नहीं पहनती थी। तो साहबा ने जब आके देखा, उन्होंने औरतों को कपड़े दिए कि ये जो अपना सीना है उसको ढाको, तो औरतें बहुत खुश हुई, यहाँ बताओ ये कैसे लोग हैं, और मतलब औरतों को नंगा देखना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो साहबा की अच्छाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में दीन आया। तो भाई यही मैं कह रहा हूँ कि आप दीन हासिल कीजिए, आपका कुरान हदीस में इल्म बहुत कमजोर है, ना आपको इतिहास पता है ना हिस्ट्री पता है। ये भाई जादूगर जयपाल की कितने कहानियां सुन के आप पागल हो चुके हैं यार। जादूगर जयपाल के तुम बेटे हो गए, सुनो इधर, जादूगर जयपाल इधर भाई गरीब नवाज के पास इतनी पावर थी कि पूरे सागर को एक कटोरे में लिया है, तो जादूगर जयपाल उनके सामने क्या था। मजार है उनको पक्की मत बनाओ, पक्की मत बनाओ, अभी इधर सहाबा की मजार है ना, वहाँ जाकर तोड़ो, आपको में हिम्मत है। हाँ सहाबा की मजार पक्की ना बनाओ, लेकिन हमने नहीं बनाया ना, जिसने हम तो कह रहे हैं फरमाया केरला में जाके तोड़ने के लिए दम नहीं है क्या। तमीम अंसारी की मजार है, तमीम अंसारी की मद्रास में मजार है, वो भी तो सहाबी रसूल है, उनकी मजार को कौन कोई भी क्यों नहीं हाथ लगा रहा है। क्या सारी मजारों का ठेकेदार हूँ तो फिर सवाल नहीं करके उम्मत को क्यों बहका रहे हो भाई। मेरे सगे माँ बाप सुनिए मेरे भाई, कान खोल के तुम बोल रहे हो, मेरे सगे माँ बाप का इंतकाल होता है, सुनो मेरे भाई, मेरे सगे माँ बाप का इंतकाल होता है, और मेरे सगे माँ बाप की अगर कोई भाई कब्र है उसको मजार बना देता है, तो मेरा ये पावर है, ये कानूनी अधिकार है कि वो मेरे माँ बाप है, मैं जाके उनकी जो पत्नी को मजार है मैं उसको थोड़ी सी जमीन के बराबर कर लूं, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मेरी पावर में। इस्लाम की बात के लिए पावर नहीं है तुम्हारे को, तो मेरे पास पावर नहीं है ना कि कहाँ पे कौन सी मजार बनी, मैं थोड़ी ना तोड़ दूंगा। ये तो जब इस्लामी कानून होता है, इस्लामी कानून में ऐसा होता है, इस्लामी कानून में है ना, मजार भाई है, मेरे नबी ने फरमाया कि जहाँ पे कोई पक्की भाई जो पक्की कब्रें हो, ऊंची कब्रें हो, उनको जमीन के बराबर कर दो, ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो अगर मेरे माँ बाप की कब्र को कोई पक्का बना देता है, ऊंचा बना देता है, तो मैं उसको जमीन के बराबर कर दूंगा, सिंपल। जो पक्की जो पक्की कब्रें हैं उनको जमीन के बराबर कर दो बोले थे, अपने माँ बाप की कब्र को तोड़ो ऐसा नहीं बोले थे। कबर थोड़ी ना तोड़ लूँ मैं, तो पक्कापन हो गया, पक्की मजार बना दिए, मजार तोड़ के वापस मैं इसको बनाऊंगा कच्ची कब्र। यार चुप के बेकार के नौटंकी बात मत करो यार, आप में दम नहीं है बोल रहे। लेकिन मजारों की कमाई खाने वाले, मजारों से औलाद मांगने वाले, मजारों की बीमारी दूर करने वाले, वो मजार की मेरे भाई पूजा उपासना करते रहेंगे। अल्लाह सुभान व तआला ने फरमा दिया है कि या कनाबदु व या कनस्ताइन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं।